नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूर्य नारायण नगर में अलग अलग चार मूर्तिकार की टीम बना रही है गणेश, विश्वकर्मा, दुर्गा की प्रतिमा। गौरतलब है कि गणेश उत्सव का पावन पर्व मात्र 3 दिन बचे हैं। गणेश उत्सव जो है 31 अगस्त गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रहा है। सभी श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ इस प्रकार विदाई देते हुए पुनः एक वर्ष प्रतीक्षा करते हैं, जिसे लेकर सभी मूर्तिकार कारीगर तैयारी में लगे हुए हैं। गणपति पूजन को लेकर सूर्यनारायण नगर सहित जिले में प्रदेश में धूम रहता है। सभी श्रद्धालु अपने घर में प्रतिष्ठान ने मंच में चौक चौराहों गलियों में गणपति जी को विराजमान कर सभी पूजा अर्चना करते हैं, जिसे लेकर सूर्यनारायण नगर में बंगाल के बंगाली मूर्तिकार डॉक्टर विश्वास, मणिमोहन पॉल, पवन पॉल सहित सूर्यनारायण नगर के लखन कुंभकार सभी चारों मूर्तिकार अपने टीम सहित 20-25 वर्ष से मूर्ति बनाने की कार्य कर रहे हैं। इस बार मूर्तिकारों द्वारा नगर में गणेश की मूर्ति 1 फीट से 8 से 9 फीट बनाए हैं। कारीगरों द्वारा मूर्तियों को फिनिशिंग दिया जा रहा है। वहीं इस बार अच्छी मार्केट होने की उम्मीद है। डॉक्टर विश्वास, बसंत कुंभकार, मणिमोहन पॉल, पवन पॉल ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते बंगाली मूर्तिकार कारीगर नहीं आ पाए थे। इस वजह से पिछले वर्ष मूर्ति की कमी पड़ गया था। इस बार सभी ने 200-300 मूर्ति बनाए, एक हिसाब से देखे तो हजारों मूर्तियां बनाए गए हैं। सूर्यनारायण एक प्रकार से व्यावसायिक नगरी है, जिसे लेकर बंगाल के कलाकार यहां आकर मूर्ति बनाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं हमारे जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर गौरव रायसागर के साथ खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ गौरव रायसागर। आज जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी सूर्यनारायण में। आपको बता दें कि 31 तारीख से गणेश चतुर्थी प्रारंभ है और हिंदू त्यौहार का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश चतुर्थी को माना जाता है। आपको बता दें कि हिंदू त्यौहारों में अगर कोई भी पूजा पाठ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्यनारायण में अलग अलग जगहों में किस तरह से मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं, और आप कैमरे के माध्यम से देखिए कि मूर्ति को लास्ट रूप देने में किस तरह से मूर्तिकार लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जो मूर्तिकार जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको एक नज़र दिखाए। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी का सबसे पावन और पर्व त्यौहार है। आपको बता दें कि हिंदू त्यौहारों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। चाहे कोई सा भी घर में कार्यक्रम हो या फिर कोई भी तीज त्यौहार हो, तो सबसे पहले गणेश बप्पा की पूजा की जाती है और 31 तारीख को गली, चौक, चौराहे, घर में सभी के घरों में विराजमान होने वाले हैं गणपति बप्पा। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि मूर्तिकार किस तरह से लगातार तैयारियां में लगे हुए हैं। इस बार हम लोग को 4 महीना हो गए यहाँ पर बनाते हुए यहाँ पर, और जिस हिसाब से मार्केट है, माहौल है, सरकार के आदेश अनुसार अच्छा है मार्केट, ग्राहक भी आने लगे हैं और पूरी तरह से छूट है। और पिछले साल ऐसा था कि कोरोना के नाम से मूर्ति 5 फीट से बड़ा बनाना नहीं था, और जो जनता थे वो भी परेशान थे कि छोटा मूर्ति नहीं बैठाएंगे, बड़ा बैठाएंगे ऐसा। तो इस बार पूरी छूट है, वो इस बार अच्छे से बड़ा मूर्ति बना है। क्या लग रहा है इस बार मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट तो अच्छा लग रहा है, अभी से बहुत सारा मूर्ति हमारा ऑर्डर हो बुकिंग हो चुका है, और छोटा छोटा मूर्ति 2 दिन में उठता है, वो उसका भी ग्राहक बहुत जल्दी इस बार ले रहे हैं मूर्ति। आपने किस कैसे की मूर्तियाँ बनाई हैं बड़े? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूर्तिकारों ने किस तरह से मूर्ति को अभी सजाने का, संवारने का जो तैयारियाँ कर रहे हैं वो लगातार। आपको बता दें कि 31 तारीख से गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने वाला है और किस तरह से मूर्तिकार मूर्तियों को लेकर अभी जोर शोर से काम में लगे हुए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सूर्यनारायण में बड़े से बड़े और छोटे से छोटी मूर्तियां बनाने में मूर्तिकार लोग अपनी जोर शोर लगा चुके हैं। क्या लगता है इस वर्ष मार्केटिंग कैसे रहेगी? 31 का गणेश जी बैठना है, तो हम लोग जोरों से गणेश जी का तैयारी में है। मेरे को लग रहा है इस साल अच्छा मार्केटिंग जाएगा, इसी आशा से लेके हम लोग काम कर रहा हूँ। कितने मूर्तियाँ बनाए हैं आपने, छोटी बड़ी देके?
जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि मूर्तिकारों ने किस तरह से छोटी मूर्तियां बनाई हुई हैं और कितने अच्छे तरीक़ा से उनको सुंदरता किए गए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देखिए कि किस तरह से छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्तियों को मूर्तिकारों ने अपना लास्ट रूप दे दिया है। जी बताएंगे। मैं धनेश कुंभकार अपने पिताश्री के साथ कम से कम 20 साल तक हो गया बनाते मूर्ति। प्रतिमा बनाते हैं आप लोग? हर प्रकार की जो ऑर्डर में आ जाए, जैसे दुर्गा, गणेश, काली, लक्ष्मी तक हम लोग मूर्ति बनाते हैं। कहाँ से हो भैया आप? मैं बिलासपुर जिला लोहरसी सोन से हूँ। शिवरीनारायण मूर्तियाँ लेने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मूर्तियाँ तो देखने के लिए आए हैं और लेंगे भी। क्या इस साल मूर्ति बहुत अच्छा बना है और कोरोना के चलते बड़ा बड़ा मूर्ति नहीं बन रहा था। इस साल बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मूर्ति बना है और